गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा जो डायमेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। उसके बेस पर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डायमेंशंस। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम से डाउट क्रिएट हो रहा है तो मुझसे आके मीन्स दैट मुझे कॉल करें, या फिर किसी भी तरह के डाउट्स आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आज हमारा यूनिट फर्स्ट से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप चाहे IIT करने जा रहे हो या फिर JEE मेंस का टेस्ट दे रहे हो या फिर किसी भी टेस्ट में दे रहे हो जहाँ पे फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाए, वहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्वेश्चंस मिल सकता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी वस्तु के लोअर लेवल या एक हायर लेवल का मतलब वैल्यू को बता देना। जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपके सामने कि मैं एक मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद मैंने किसी अपने फ्रेंड्स के साथ गया था और मैं एक दुकान को देखकर कहने लगा कि भाई इसका जो किराया है वो 500 रुपये है। जैसे कि मैं बात करने लग जाऊं अपने मन में या फिर आप कहने लग जाऊं उससे, लेकिन मेरा फ्रेंड कहने लग जाए कि नहीं इसका जो किराया है वो 10 गुना है। अब 10 गुना 500 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 5000 रुपये। 500 का 10 गुना कितना हो गया हमारे पास, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की, तो 5000 रुपये हो गए ना। तो ये जो 10 गुना है ये एक ऑर्डर को वैल्यू की उस मकान जो मकान था या वो जो दुकान थी उसके ऑर्डर को बता रहा है, उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि ये कितना इसका किराया है। मैंने 500 बोला, उसने 10 गुना कह दिया। मैं किसी शॉप से सामान लेने के लिए गया, मैंने उसका 5000 रुपये बताया, लेकिन उसने कहा कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 10 गुना है, 50,000, 5 लाख जो भी मतलब बनता है। तो ये जो गुना में हम वैल्यू बता देते हैं वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ को ऑर्डर ऑफ में, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10, कि 10 की जो पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को शो करेगा। विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा हमारे पास में। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ बिग और हाउ स्मॉल, कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए मैं आपको बता दूँ CBSE से लिया गया एक टॉपिक है, बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए नंबर लिया गया n, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए जो नंबर लिया गया था n, और n इक्वल टू हमारे पास है स्मॉल n मल्टीप्लाई 10^x। जो स्मॉल n है वो या तो 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए n की वैल्यू, या फिर 5 के बराबर होनी चाहिए, या 5 से कम होनी चाहिए। n की वैल्यू जो है वो 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 5 के बराबर या 5 से कम, देन x विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उस समय हमारे पास जो x होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं राउंड ऑफ की बात करूँ कि अगर n ग्रेटर देन हो जाए 5 से, या तो 5 के बराबर या 5 से इक्वल हो, सॉरी 5 से लेस देन हो या 5 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू को आपको 1 लेना है, याद रखना। और अगर n की वैल्यू 10 से कम हो या फिर 10 के बराबर हो, 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए, 10 के बराबर, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू को आप क्या ले लोगे, 10 ले लोगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि n की वैल्यू 10 से कम हो या 10 के बराबर हो तो n की वैल्यू को क्या लेंगे, 10, लेकिन वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो साइंटिफिक रोटेशन में मैंने क्वेश्चन दिया 233, तो इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना n इंटू 10^x, लेकिन n को आपको किस फॉर्म में लिखना है, n को आपको इस तरह से लिखना है कि वो 0.5 से ज़्यादा हो या फिर 5 से कम हो। अब ये 5 से कम है इसलिए इसे n इक्वल टू 1 लेंगे। अब 1 × 10^2 यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया, 2। ऐसे मैंने लिया 5.33 × 10^5, लेकिन मैंने कहा कि अगर n की वैल्यू, ये n × 10^x है इस फॉर्म में, n × 10^x अब इस फॉर्म में है तो ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 10, 10 × 10^5 यानी कि 10^6, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 हो गया। एक और क्वेश्चन लिया है 6×23 × 10^2, अब 6×23 को क्या लिख सकते, 6.23
23 इंटू 10 टू द पावर 4। अब 6.23 इंटू 10 टू द पावर 4 है यानी कि 10 से ज़्यादा है, सॉरी 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या ले लेंगे 10, और 10 टू द पावर यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 पावर 5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए मैंने कुछ नंबर्स लिए, जैसे 9 है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 होगा, 123 को साइंटिफिक रोटेशन नोटेशन में लिखा हुआ है मैंने, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 499 का 2, 501 का 3, 7346 का 4, 0.127 का माइनस 1, 0.05 का माइनस 2 एंड 0.051 का हमारे पास कितना होगा माइनस 1। जैसे मैं 0.051 की बात करूं तो मैं इसे कैसे 5.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, आप कहोगे सर माइनस 2 नहीं, ये 5 से ज़्यादा है इसलिए 10 और 10 की मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माइनस 1। तो इसी के बेसिस पर मैंने एक असाइनमेंट्स तैयार किया है आपके लिए, ये असाइनमेंट्स यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रिटर्न करके होमवर्क आपको सेंड करना है मेरे पास में कल। जी स्टूडेंट, सभी बच्चों को अपना होमवर्क रेगुलर सेंड करना है, 11th क्लास से सिर्फ 2-3 बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं, सिर्फ 1-2 बच्चे ही मेरे पास से प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, बाकी सारे बच्चे मुझे लगता है सोए हुए हैं अभी भी, तो सोए ना प्लीज़, जग जाएं और अपना होमवर्क करना स्टार्ट करें, कोई भी प्रॉब्लम्स या डाउट होता है तो देन कंसर्न मी। ओके, थैंक यू सो मच।